उत्तर प्रदेश सरकार के कृषि विपणन राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह का आज जनपद में एक कार्यक्रम के दौरान आगमन हुआ और उससे पूर्व गाजीपुर के डाक बंगले पहुंचे, जहां पर उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी से मुलाकात किया और उसके बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने मुझे उद्यान कृषि विपणन कृषि विदेश व्यापार और कृषि निर्यात विभागों का दायित्व दे रखा है, जिनके माध्यम से जनता की अच्छी सेवा हो सके, किसानों की आय बढ़ सके। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के संकल्पों पर हमारा उत्तर प्रदेश आगे बढ़े, उसी के क्रम में आज गाजीपुर में उपस्थित हूँ और गाजीपुर के किसानों को देखूंगा, मिलूंगा। गाजीपुर में कौन सी चीजें अच्छी हो रही हैं, किसको हम एक्सपोर्ट करा सकते हैं, कैसे मूल्य संवर्धन करा सकते हैं, किसानों को उचित मूल्य मिले, यही हमारे विषय है। देखा जा रहा है कि विभागों के द्वारा लगातार एफपीओ के किसानों को जो संगठित करके और उन्हें नई नई तकनीकी जानकारी दी जा रही है, क्या लगता है इससे किसान कितना आगे बढ़ पाएंगे? बिल्कुल, आप देख सकते हैं पहले हम लोगों के यहाँ खाने भर की मिर्च गाजीपुर में होती थी, आज हमारी गाजीपुर की मिर्च जो है दुनिया में तमाम देशों में जा रही, तो ये हमारा सौभाग्य कि किसान एफपीओ और कृषक संगठन हमारे विभाग सब ने मिलकर के किसानों में ऐसी जागरूकता लाई कि वो अक्रॉस द कंट्री अपने उत्पाद को पहुंचा रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि धीरे 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 हमारे यहाँ अब किसानों को अच्छा मूल्य भी मिलने लग जाएगा और किसान और आगे बढ़ेगा और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि किसानों की आय दोगुनी हो, इसमें राज्य सरकार सफल होगी। सर, किसानों की आय की दोगुनी बात हो रही है लेकिन लगातार जो आवारा पशु है उनके खेतों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, क्या इसको लेकर? उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरह से इस विषय पर संवेदनशील है और उन्होंने कुछ प्रयास किए हैं, जैसे 30 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से किसानों को दिया जाता था कि आप अपने जानवरों को, छोटा जानवरों को नियंत्रित करने के लिए अपने पास रख सकते हो, 900 रुपए महीने सरकार आपको देगी और साथ साथ वो पशु जो आप बांधेंगे अपने पास रखेंगे, जिनको चारा देंगे वो गोबर देंगे तो उस गोबर से जो अनाज पैदा होगा वो रसायन मुक्त अनाज होगा, हमारी आयु लंबी होगी, ऐसा सरकार का प्रयास है। इसके अलावा और भी जितने सुझाव मिल रहे हैं लगातार प्रयास कर रही है। मैं उम्मीद करता हूं अगले 6 महीने साल भर के भीतर उत्तर प्रदेश को छुट्टा जानवरों से निजात मिल जाएगी, ऐसी रणनीति हमारी सरकार अपना रही है। 15 तारीख को मायावती जी का जन्मदिन है सर, मैं बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं, दीर्घायु हो मायावती जी और लंबे अरसे तक हमारे उत्तर प्रदेश में लोगों की सेवा करें। उनके जन्मदिन पर जो एक बेबी गीत का जो लॉन्चिंग का विषय नहीं उनके।